अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे देसी जलजीरा, जिसे नींबू पानी भी कहते हैं। जिसके लिए हमें चाहिए 3 टेबलस्पून शक्कर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर और 2 बड़े टेबलस्पून पुदीना और 1 टीस्पून चाट मसाला जो हमने घर में बनाया है और आधा या चुटकी भर नमक और 1 टेबलस्पून नींबू का रस और 2 टेबलस्पून इमली का रस, जिससे हम 2 गिलास के इतना शरबत बनाएंगे। नींबू पानी 2 गिलास, अगर आप चाहे तो और क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए आपको, अगर आप 3 गिलास बना रहे तो 3 टेबलस्पून आपको इस साइज़ के इमली का रस उसमें डालना और नींबू की भी क्वांटिटी बढ़ा देना और चाट मसाले की इसकी सबकी फिर बढ़ जाएंगी। आप आपके हिसाब से फिर जितना ज़्यादा बनाना है बढ़ा के बनाना। एक जार में हम सबसे पहले जो हमने 3 टेबलस्पून शक्कर लिया था वो डाल दिया है, फिर ये पुदीने के पत्ते और फिर ये ज़ीरा पाउडर, ये चाट मसाला और थोड़ा सा चुटकी भर नमक। अगर आपको लगे कम है चक्के बाद तो आप चाहे तो और डाल सकते हैं। ये नींबू और उसके बाद फिर ये इमली का रस। फिर हम इसको बारीक पीस लेंगे, इसमें 1.5 गिलास पानी डालकर, क्योंकि इसमें बर्फ़ भी डालेंगे तो टोटल 2 गिलास हो जाता। फिर ये हमने बर्फ़ डाल दिया और इसमें फिर हम 1.5 गिलास पानी डाल देंगे। बर्फ़ मिलके वो 1.5 गिलास हो जाएंगे। फिर इसको घुमा लेंगे मिक्स। ये हमारा शरबत तैयार हो चुका है। हम इसमें सबसे पहले ये बूंदी डालेंगे, फिर उसके बाद ये जूस जो हमने पीस के इसको एक छन्नी से छान लिया है। फिर इसको हम गार्निशिंग करेंगे। लीजिए, ये हमारा जलजीरा तैयार है।